हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी कर्णी राशि के लोगों के लिए कराए हैं, जो कि आज के दिन कर्ण राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि 26 मार्च की रात 11:45 से कर्ण राशि के लोगों के जीवन पे जल्दी देखना है, समय कम है, सभी कष्ट दूर होंगे, दूर करेंगे महादेव, दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। देख ली, अभी आप लोगों का वक्त है, वक्त को बदलने मत दीजिए। जीवन में कुछ कर दिखाना तो कुछ कीजिए, बहुत ही बढ़िया लाभ किस प्रकार मिलेंगे और आप लोगों के जीवन पे किस प्रकार खुशियां मिलने वाली हैं और बहुत ही सारी परिस्थितियां जीवन पर किस प्रकार आने वाली हैं। आज आप लोगों को अन्य राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा दिन, किस प्रकार मिलेंगे शांति, क्या घटनाएं जीवन पे घटने वाली हैं और आप लोगों को जीवन में खुशियां किस प्रकार जरूर मिल सकती हैं। आज के दिन हैं आप लोगों के लिए कैसा होगा, किस प्रकार क्या घटनाएं घटने वाली हैं, किस वक्त घट सकती हैं, क्या खुशखबरियां मिल सकती हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ, आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती हैं, तो आप लोगों का लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, आप लोगों को किस प्रकार से किसी प्रकार से किस प्रकार लाभकारी योजनाओं को बनाना आप लोगों के लिए शुभ और बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काज कौन से ग्रोह तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म होंगे, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ऐसे में ऐसी वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, दिन सुबह हैं, कार्य व्यवस्थित हैं, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होंगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत का फल भी आपको मिल सकता है और आप लोगों को जीवन में कई सारे कार्य को अमल जामा पर पहनाना हो सकता है, आप लोगों को विशेष बड़ी कामयाबी मिलने का कार्य हो सकता है, दिन भर स्थितियों का निर्माण करना हो सकता है, अधिकतम कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे, अपने कोई सपना साकार करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत रहेगी और यह गुण आप लोगों के विद्वान रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में संबंधित परीक्षा में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, अपने बोलचाल का लिहाजा नर्म रख सकते हैं, गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब हो भी हो सकता है, कभी कभी आलस्य की वजह से आपके कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में अनुभवी रूप से व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेंगे, कार्यस्थल पर स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग और योगदान रहेगा, बिजनेस पार्टियों के साथ संपर्क में रहेंगे, आपको उचित ऑर्डर और नए अनुबंध मिल सकते हैं, काम सही समय पर पूरे होते जाएंगे, नौकरी पैसे वाले लोगों को आज के दिन बदलाव से संबंधित कोई ना कोई मन मुताबिक सूचना मिल सकती है, व्यवस्थाएं के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना आज के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, रात के दिन है बहुत ही बढ़िया कार्य हो सकता है, आज के दिन बदलाव से साथ कोई मन मुताबिक सूचना मिल सकते हैं, व्यवस्थाओं के बावजूद परिवार के लिए निकालना समय बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रखेगा, प्रेम संबंध में निकटताएं आएंगी बढ़ेंगी, किसी समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकते हैं, एनिमिटी स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें, अपेक्षित प्रगति मिलने के बाद भी सम्मान प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, विदेश से साथ काम को आप गंभीरताओं से कर सकते हैं, साथ में व्यक्तिगत जीवन के बारे में गंभीरताओं से सोच विचार रख सकते हैं, नए स्रोत को बनाने की कोशिश सफल होंगी, लेसनशिप से साथ निर्णय कठिन महसूस होंगे लेकिन अपने निर्णय पर टिके रहना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, यह चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है, भगवान भोलेनाथ की प्रति हो सकती हैं, यह समय का ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, आपके सकारात्मक और संतुलित सोच आपको कार्यस्तर योजना व तरीके से कार्य संपन्न करने में मददगार रहेंगे, सामाजिक तथा सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में आपका उचित योगदान बना रहेगा, अपरिचित लोगों के साथ कोई भी न कोई व्यवहार अथवा लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत रख सकते हैं, वरना आप किसी भी धोखाधड़ी में फंस सकते हैं, ईगो और अति आत्मविश्वास की भावना आप लोगों की कमजोरी रह सकते हैं, इस पर काबू रखना हो सकता है, व्यावसायिक गतिविधियाँ यथावत चलती रहेंगी, बहुत ही सुधार की संभावना नहीं है, किसी प्रभावशाली पार्टी से व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी डील होने की संभावना है, पब्लिक डीलिंग में मुनाफा
मिलने के योग हैं। परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी के द्वारा कोई शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा वातावरण रह सकता है। अत्यधिक रूप से कार्यभार व्यवस्थाओं की वजह से सिरदर्द माइग्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। पानी का अधिक सेवन करना हो सकता है। अन्य लोगों के विचारों का दबाव अपने ऊपर बिल्कुल ना ना दें, न ही इस दबाव की वजह से खुद के द्वारा किए गए निर्णय में बदलाव करें। लोगों को खुश करने की कोशिश करें, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना होगा। मनचाहा अवसर प्राप्त न होने से निराशा हो सकती है। अपरिचित व्यक्ति के आप लोगों के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टनर्स की वजह से आपको अपने व्यक्तिगत में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। फिर भी आपको पार्टनर्स पर बड़ी सारी निर्भरताएं कम करने की कोशिश करने होंगे। पेट से संबंधित दर्द अचानक से उत्पन्न हो सकता है या चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत ही सारे कार्य अच्छे तरीके से होंगे। किराना के थोक व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। संतान की पढ़ाई से संबंध चिंता मिट सकती हैं। पैरों में खिंचाव रह सकता है। चीज़ों को विकसित करना हो सकता है। महिला रिसेप्शनिस्टों के लिए नौकरी में बदलाव करने से उत्तेज से समय अनुकूल रह सकता है। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ संबंध में खिंचातानी से बचना होगा। अपना मनोबल को बढ़ाकर रखने होंगे। आप लोगों के जीवन में कुछ बढ़िया कार्य हो सकता है। आज का दिन अपने सपने महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का हो सकता है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रह सकते हैं। कोई रुका हुआ सरकारी काम भी आज के दिन पूरा हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखना, ध्यान को उस पर केंद्रित रखना ज़्यादा जरूरी होगा। बाहरी अथवा अपरिचित लोगों को आप लोगों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करने दें या चीज़ों को लेकर विकसित करना होगा। अपरिचित लोगों को अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करने दें। इस वजह से तनाव की स्थिति बनेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाकर रखने होंगे। रुपये पैसों के मामलों में आज किसी पर भरोसा न करने हैं। आज सारे निर्णय स्वयं ही लेने हैं। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंध व्यवसाय उचित महत्वाकांक्षा उपलब्धियां बना रहे हैं। हालांकि अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी आप लोगों को हासिल होने नहीं वाले हैं, परंतु धैर्य समय और रखने होंगे। सरकारी संस्थाओं से संबंधित कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण सौंदर्यपूर्ण माहौल रह सकता है। आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकते हैं। वाहन अथवा गिरने की चोट लगने की आशंका संभावना भी बन सकती है। आज के दिन है, यह समय बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत रह सकती हैं या चीज़ों को लेकर विकसित करना लाभकारी हो सकता है। मनोकामना पूरी हो सकती हैं। बोली गई गलत बातों की वजह से विवाद वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा करते समय उनकी व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी न करें। परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ बातें उधर नजरें ला सकते हैं, लेकिन यह लोग आप लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाएंगे। काम की जगह चले आ रहे राजकारण का हिस्सा बनने के बाद कारण आपका नुकसान हो सकता है। पार्टनर्स के द्वारा बोली गई कड़वी बातों की वजह से रिलेशनशिप टूट सकता है। बुखार कमजोरी ना बढ़े, इस बात का आपको ध्यान सबसे पहले रखना हो सकता है। साइकिल से चक्र फुटबॉलों के लिए चयन से शांतित मामलों में अनुकूलताएं रह सकते हैं। वन विभाग जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। गोपनीय बातें उजागर होने का खतरा रह सकता है। घुटनों में दर्द हो सकता है। चीजों को विकसित करना हो सकता है।